how to fix a sharing violation occurred while accessing microsoft word problem नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का tikraj youtube चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस प्रॉब्लम ठीक है ये एरर को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर पे ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ठीक है ये आपको बेसिकली देखने को मिल जाते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पे जब भी आप दोस्तों अपने फाइल्स को सेव करते हैं तब ठीक है मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स के साथ बताऊंगा यहाँ पर ये एरर जो है ऑक्योर्ड क्यों होते हैं और कैसे आपको जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है ठीक है आपको बस क्या करना है वीडियो को अंत तक देखना है जो भी मैं आपको बताऊंगा रीजन उसको थोड़ा सा समझ लेना है सारे साथ दोस्तों आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा तो बस आप उत, उसके बाद जाके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे ठीक है वीडियो को अंत तक दे, देखे दोस्तों और सोल्यूशन को फॉलो जरूर से कर लेना लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करे और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को आ, हम क्रेक करेंगे ठीक है यानी कि इसका रीजन जानेंगे कि किस वजह से आते हैं मान लीजिए दोस्तों आप इस ठीक है फाइल को आप सेव करते हैं कंट्रोल एस करके आप इसको जो है यहां पर सेव कर देते हैं एक फाइल जस्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू फाइल करके एफ आई एल ई ठीक है तो इस तरीके से तो इसको हमने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर पे तो सेव करते हैं। तो एक बार सेव कर दिया हमने उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर अपना काम जो है चालू करते हैं ठीक है लिखना वगैरह शुरू कर देते और लिखते लिखते एक बार दोबारा से हम सेव करते हैं इसको ठीक है इस प्रकार से कंट्रोल एस उसके बाद दोबारा से हम लिखना शुरू कर देते उसके बाद दोबारा से हम उसको सेव करते से देखना अभी चलिए हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो हमें सिंपली बैक कर लेना है ठीक है पूरा बैक कर लेना है उसके बाद पीसी पर जाइए ठीक है यह एरो पीसी उसमें क्लिक कीजिए एंड देन दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स ओपन कीजिए और उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा इस तरह का इंटरफेस <coughs> तो आपको क्या करना है आपको जाना है आपके वर्ड के फाइल में ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट क्लिक कीजिए राइट क्लिक करने से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है प्रॉपर्टीज सबसे नीचे में आ जाना है प्रॉपर्टीज उसमें क्लिक करना है उसमें जैसे क्लिक करोगे एडवांस आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद फाइल इज रेडी फॉर अर्ची इसको इनेबल करना होगा ठीक है तो इन दोनों को इनेबल कर लीजिए और अगर इनेबल बार डिसेबल करके इनेबल कीजिए ओके कीजिए अप्लाई में अप्लाई में क्लिक करते हुए इसको ओके कर लीजिए उसके बाद दोबारा से जाइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कीजिए और यहाँ पे दोस्तों आप जो है कुछ भी टाइप करके आप सिंपली जो है आ, इसको सेव कीजिए ठीक है सेव करके आप देखिए आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा तो बेसिकली इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते ठीक है और दोस्तों आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर एक फाइल में ये जो है सेफ नहीं हो रहा है तो आप फाइल को चेंज कर दीजिए फाइल नहीं फोल्डर चेंज कर लीजिए ठीक है फोल्डर आप चेंज कर लीजिए फोल्डर चेंज करने के लिए दोस्तों आपको सेव बटन पे क्लिक करके उसको जो है, है दूसरे फोल्डर में सेव करना होगा ठीक है सेव एस करके आपको उसको जो है दूसरे फोल्डर में सेव करना होगा तो आपने आप आपका जो प्रॉब्लम है उस तरीके से भी फिक्स हो सकते हैं लेकिन दोस्तों हमें फिक्स करना है प्रॉब्लम को ठीक है और सेम फाइल में ही हमें सेव भी करना है तो पहला सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया अभी दूसरा सोल्यूशन देखिए अगर प्रॉब्लम सेम तरीके से आ रहा है तो आप दोबारा से जाइए वही सेम सेटिंग को फॉलो करते हुए ठीक है पीसी पर जाइए डॉक्यूमेंट्स पे आपके एरो जो है सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक कीजिए एंड एंडेंट आपको प्रॉपर्टीज पर जाना है और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करके फोल्डर इज रेडी फॉर दोनों को इनेबल कर दीजिए अगर इनेबल है ओके करने के बाद अप्लाई करके आपको ओके कर देना है ठीक है बस आपको इतना करना है मैंने ऑलरेडी इसको सेट कर रखा है उसके बाद जाइए माइक्रोसॉफ्ट में और चेक करके देखे सॉल्व हो चुका होगा आपका प्रॉब्लम ठीक है तो ये है दोस्तों आपका सॉल्यूशन इसके बाद दोस्तों अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है अगर फिर भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पे अपने पीसी को रिस्टार्ट करें ठीक है जैसे ही आपका पीसी रिस्टार्ट हो जाएगा आपका प्रॉब्लम यहाँ पे लगभग सॉल्व हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक बार पीसी को भी रिस्टार्ट करके देखिए अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है अगर सॉल्व नहीं होते तो आप दोस्तों अपने पीसी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको जाना है स्टार्ट बटन पे या फिर आ, इसको आप कह सकते हैं विंडोज पे ठीक है क्लिक कीजिए एंड आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा तो आपके जो डिवाइस है उसके सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर टाइप कर देना है यूपी डी ए अपडेट ठीक है अपडेट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज अपडेट सेटिंग है चेक फॉर अपडेट्स है तो हम चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे जैसी चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके विंडोज अपडेट निकल के आ जाएगा सामने में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड लिखा हुआ है ठीक है अपडेट अवेलेबल तो जाके आप सिंपली अपडेट कर दीजिए सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम लेकिन दोस्तों मान लीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको दोबारा से स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है ठीक है आपके विंडोज पे एंड आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है सर्च करना है इस बार अपने प्रोग्राम को और उसको अन करना है ठीक है अन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना होगा कंट्रोल पैनल ठीक है कंट्रोल पैनल पर जाइए एंड देन दोस्तों आप यहाँ से अन कर सकते हैं तो यहाँ पे है प्रोग्राम्स ठीक है ओके तो यहाँ पे नहीं हमें क्लिक करना है अन इंस्टॉल ए प्रोग्राम तो उसमें हम जाके अन कर सकते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो आ, है वो आपको दिख जाएगा ठीक है जाके दोस्तों आपको क्या करना है आपको सिंपली उसे अनइंस्टॉल कर देना है ठीक है आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको अन कर देना है एंड देन दोस्तों आपका प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगा अनइंस्टॉल करके दोस्तों आप उसको री कर लीजिए ठीक है तो अनइंस्टॉल करके दोस्तों आपको उसे री करना होगा एंड देन दोस्तों आपका इश्यू फिक्स हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग